माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में अनस्टेबल, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, उसमें हम आज आपको बताएंगे कि हम कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। प्यारे बच्चों, इसके लिए हमारे पास तीन टेस्ट हैं। एक है वर्क फंक्शन टेस्ट, W टेस्ट कह सकते हैं, वर्क फंक्शन टेस्ट। सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट, V टेस्ट कह सकते हैं। और बच्चों, थर्ड है Z टेस्ट। ये आई हैव थ्री टेस्ट फॉर डिसाइडिंग द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों, ये जो W टेस्ट है यानी वर्क फंक्शन टेस्ट कहता है कि यदि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है और W इज मैक्सिमम, यानी वर्क फंक्शन जो है बच्चों, यदि ये मैक्सिमम है, इफ वर्क फंक्शन इज मैक्सिमम देन द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। एंड इफ वर्क फंक्शन इज मिनिमम देन इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। नाउ अकॉर्डिंग टू वी टेस्ट कहता है यानी इफ पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम देन इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। एंड इफ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम देन द इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट, इट इज क्लियर दैट इफ द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज मिनिमम देन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल। एंड इफ द हाइट of the center of gravity of the body is maximum, in that case equilibrium will be unstable. Now what is jet test? My dear students, in this test jet is the height of center of gravity from a fixed point or a fixed horizontal plane. According to jet test, if z is a function of theta, suppose z is a function of theta, in this case differential coefficient of z, differential coefficient of z with respect to theta must be equal to 0. On solving this equation we get different values of theta, suppose we get alpha, beta, gamma, etc. Now we again differentiating, we get d2z upon d theta 2. In this d2z upon d theta 2 we put theta is equal to alpha, and if it is positive then z is minimum. और जब जेट मिनिमम होगा, इन दैट केस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। एंड इफ इट इज नेगेटिव देन द फंक्शन जेट विल बी मैक्सिमम, इन दिस केस द इक्विलिब्रियम मस्ट बी अनस्टेबल। एंड इफ इट इज इक्वल टू 0 देन वी फर्दर डिफरेंशिएट एंड वी गेट d3z अपॉन d theta 3. And suppose this is also equal to 0, then we further differentiate and we get d4z upon d theta 4 is equal to, if it is positive then stable equilibrium, if it is negative then unstable equilibrium.
एंड सो ऑन. इफ इफ डी थ्री जेड अपॉन डी थीटा थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द फंक्शन जेड इज नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम. इन दैट केस देर इज नाइदर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी.